अमिताभ बच्चन करते हैं जिस क्विज रियलिटी शो को होस्ट, उसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। फिलहाल केबीसी 11 टीआरपी की रेस में सरपट तरीके से दौड़ रहा है। इसकी वजह शो में पूछे जाने वाले सवाल हैं, हॉट सीट पर आए प्रतिभागी हैं और इस बार जो शो में जोड़ा गया है कर्मवीर स्पेशल एपिसोड वो भी है। अब एक बार फिर से केबीसी में ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में कुछ खास प्रतिभागी आते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इनकी कहानियां, इनका संघर्षपूर्ण जीवन महानायक अमिताभ बच्चन को भी कई बार भावुक कर जाता है और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में एक महिला पहुंची जिन्होंने अपनी बहादुरी, मजबूत इरादों के किस्से सुनाए, बिग बी की आंखों को नम किया और वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। जिस महिला का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कर्मवीर सुनीता कृष्णन है। इस शो के सेट पर सुनीता ने अपनी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कहानी सुनाई जिसने बिग बी की आंखों को नम कर दिया। बता दें आपको कि सुनीता अपने पति राजेश के साथ पहुंची। सुनीता कृष्णन ने बताया कि जब वो 15 साल की थी तो उनके साथ दरिंदगी की हदों को पार किया गया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अब तक 22,000 ऐसी महिलाओं को बचाया है। जी हाँ, सुनीता जिनके साथ 15 साल की उम्र में काफी कुछ बुरा हुआ, अब वो इन सब से हर किसी को बचाना चाहती हैं और जिन महिलाओं को सुनीता बचाती जा रही हैं उनमें से एक 3 साल की बच्ची रही। सुनीता बताती हैं कि उन्होंने रेस्क्यू की गई महिलाओं और बच्चियों के दर्द को समझा, इनसे जुड़ी कई कहानियां सुनाई जिसने बिग बी की आंखों को नम कर दिया। बता दें आपको सुनीता को इस काम के लिए सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। गेम शो से वो 12,50,000 की धनराशि जीत कर गई हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने फिलहाल करोड़ों लोगों का दिल जीता है। जिस अंदाज में सुनीता ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद उस दर्द को समझते हुए बाकी महिलाओं को इससे सुरक्षित रखने की मुहिम चलाई वो वाकई काबिले तारीफ है और नेक्स्ट 9 न्यूज उनके जज्बे को सलाम करता है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।